बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, क्या हाल है। मैं अजमेर रहीम आपको यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद। और ये हफ़्ता कैसा रहेगा, 17 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। और पिछला हफ़्ता आपका खूब सर्दी में गुजरा होगा, मौसम बड़ा ख़राब था और टफ था। और जिस दिन मरी का इंसिडेंट हुआ, एक दिन पहले मैं मरी में था मैं, लेकिन वहाँ के जो हालात देखे मैं तो वापस आ गया। शुक्र है अल्लाह ताला ने अकल डाल दी दिमाग में, तो वापस आ गया। अदरवाइज वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। एनी हो, स्टार्ट आपका हफ्ते का जो इतवार गुजरा उसके मुताबिक 16-17 जो है ना वो उसी मोड में होगा। छठे का लॉर्ड छठे में बैठा है, तो यहाँ पे आप काफ़ी कह लें कि मेहनत करते हुए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी संजीदा हो के अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे। और एक आपके अंदर काम करने की एक ताकत होगी, एक सलीहियत होगी और हर काम को अपने बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। आपकी छठी बहुत काम करेगी और थोड़ी सी मख्फियत भी होगी। आप अपने स्पेकुलेट बड़ा अच्छा करेंगे, फोर्स ही बड़ा अच्छा करेंगे और आपको थोड़े से इधर उधर सफ़र भी करना पड़ सकता है। कोई ट्रांसफ़र कोई इस किस्म का भी आपको सुनने की खबर मिल सकती है। तो छठा घर आपके अंकल आंट का भी है, आपकी सर्विसेज का भी है, आपका कह लें कि यहाँ पे बहुत ही स्टार्ट अच्छा है। रिलेशनशिप्स विद अंकल आंट बहुत अच्छा होगा आपका। एनिमीज़ आपके आसदीन आपसे दूर होंगे और एक्सपेंसिव पार्टनर बड़े बेहतर होंगे और जो मतहत होंगे वर्कर को वर्कर सबॉर्डिनेट्स ये आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ज़ख़म ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी, कोई क्रूअल एक्शन ये ठीक हो जाएगी। अगर आप कैद में तो कैद से निकल आएंगे, ज़मानत हो जाएगी आपको, यहाँ पे सज़ा ख़त्म हो जाएगी, जेल से बाहर आ जाएंगे। फेवरेबल रिजल्ट्स इन कंपटीशन, किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। 18, 19, 20 ये भी छठे घर में और सातवें घर में मून है और सातवें का लॉर्ड पहले बारहवें में है, दो दिन उधर रहेगा फिर एक में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, पार्टनर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी, हैप्पीनेस होगी, डोमेस्टिक स्पाउस के साथ भी बहुत ही अच्छे होंगे, जिनके लव अफेयर चल रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनके बड़ी चैटिंग वीडियो कॉल और ये वो इस किस्म के कामों में बहुत दिलचस्पी होगी। और वो जो उनके खुफिया अफेयर्स हैं या खुफिया शादी हैं वो भी उसी में काफ़ी कह लें कि मसरूफ़ होंगे, उनको चांस मिल जाएगा। नजायज़ पैसे कमाने वाले भी यहाँ पे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। और फिर आपका सातवें का लॉर्ड पहले घर में आ जाता है तो यहाँ पे फिर आप काफ़ी हद तक एक मोड ऑफ चेंज, जो ज़िंदगी जो मैं पीछे बताई है वो एकदम चेंज हो जाएगा। दोस्तों और चाहने वालों से बहुत प्यार मिलेगा और कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा, अल्लाह ताला की आपके मदद शामिल होगी। कारोबार में आप जिसका लोगों पे एतबार करेंगे वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। सफ़र करने के लिए टिकटें भी दूसरों से लेंगे। ज़िंदगी के हर शोबा में सुतून की हैसियत रखेंगे। तो ये एक्वेरियन ये 2-3 दिन जो है ना जिसके मैंने बताया ये आपको बहुत अच्छा, जो आप पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाएगा, एकदम चढ़ जाएगा। इफ़ ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट कोई रुका हुआ है वो तेज़ी से बूस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। इन केस यू आर लिविंग अब्रॉड वहाँ पे भी आपको ऑनर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई ना कोई आपकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई वो उसका कह लें कि उस पर इमिग्रेशन में भी कोई आपको पेशरफ्त की ईमेल आ जाएगी। मैरिज कंपैटिबिलिटी बिटवीन पार्टनर स्पाउस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी जनरल हैप्पीनेस होगी और फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं
21-22 को आठवें का लॉर्ड पहले घर में बैठा है और थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन फिर भी बेहतर पोजीशन में है। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत मजबूत से आप रखेंगे, ज़हनी तौर पे बहुत अच्छे होंगे। किसी आप इल्म मख्फी है, जादू टोना, जंतर मंतर, तवीज ताकों की तरफ भी मुतवज्जा हो सकते हैं। आपके अंदर भी कुछ सलीतें पैदा होंगी जो फोर्स ही बड़ा अच्छा कर लेंगे, कोई मुस्तकबिल में ज़ाहिर होने वाली बातों को भी दे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। आप इन्हीं लोगों की तरफ या सर्विसेज की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत मख्फियत होगी। विरासती जायदाद पर निसार करेंगे, जैसे मकान के किराए, जायदाद फरोख्त करके ख़ुद को बेहतर बनाने में रहेंगे। तो ये आपका कह लें कि ये दो दिन आपको यह बेहतरी है। यहाँ पे कोई ना कोई आपको इमिग्रेशन या इस किस्म के वीज़ा वगैरह में, ट्रैवलिंग में आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, वो अगर मकान या दुकानें किराए पे नहीं चढ़ी तो वो किराए पे चढ़ जाएंगी और वहाँ पे अच्छे रेट से आपको बहुत ही मिल जाएगा। या आपके स्पाउस का अर्निंग हैंड भी है, अर्निंग हाउस भी है, पैसे आ जाएंगे, कोई हिडन वेल्थ आ जाएगा, कोई ये काफ़ी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत किसी किस्म की यहाँ पे नहीं, फिर भी मतात रहेगा, आठवां घर है, किसी किस्म का आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कोई खुफगी का मजारा खिफगी का नाम हो या आप कोई डिसग्रेस हो जाए, इसलिए ये दिन आपका भी अच्छा गुजर जाएगा। अब आ जाए इतवार का दिन, ये आप बहुत ही सुकून होगा, 9th हाउस है, आप मज़हब की तरफ आपकी बड़ी रहेगी, इंट्यूशन आपकी बड़ी बेहतर होगी। यहाँ पे आप लोगों की मदद, चैरिटी, सदकात और नमाज़ें और नफल और अपने श्राइन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छा। और वहाँ पे भी अगर आप बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस दिन भी आप कुछ ना किसी के काम में मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं या रिसर्च वर्क में मसरूफ़ रहेंगे। आप चैरिटी करेंगे, आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, वजदानी कैफियत होगी। यहाँ पे थर्ड कंसेप्शन के भी आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सो एक्वेरियन, इसमें एक चीज़ का ख्याल देखिएगा कि अब आपका 5th हाउस से राहु निकल के आपके 10वें घर में आ गया, जिसको आपके असेंडेंट को स्केयर भी दे दिए, तो लिहाजा थोड़ा सा वर्क लोड बढ़ेगा आप पे, वो आगे जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। और सन आपके असेंडेंट में आ गया, अब आपके अपना घर में सैटर्न बैठा है और मरकरी बैठा है, तो आपके अंदर ये बड़ी एक चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, अब जिसका जिक्र मैं अगले वीलॉग में जब उस पर आएंगे तो फिर आपको बताता हूँ। तो ये महीना आपका बहुत मसरूफियत में गुजरेगा, अब वर्कलोड आपको बढ़ जाएगा, ज़हनी तौर पे आप कह लें कि ओवरलोडेड होंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सुस्ती की बोरी ना बजेगा, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, हस्बैंड के साथ मुँह मारी नहीं करनी, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, और कोई ना कोई कह लें कि डिले ना कीजिएगा काम को, काम का बोझ बढ़ेगा, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर क्यों मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।